तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल क्या है यार पे। तो आज मैं एक नई अपडेट लेके आया हूँ कि भारत ने जो नेपाल को एक मंथ पहले जो रेलवे लाइन को शुरू करने के लिए जो आवेदन भेजा था उस पे अब कुछ टॉपिक और कुछ निर्णय लिए गए हैं कि जो काठमांडू से रजस्वा रेलवे शुरू करने की बात की गई थी तो उस पे अब देखिए कितना बजट, कितने लैंड में वो अब लाइनें बिछेंगी और कितने टनल बने हैं, कितनी सुरंगें हैं और कितने स्टेशन है, तो उस पे मैं आप बताने वाला हूँ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो अब शुरू करते हैं कि इसका बजट है 30 बिलियन और 49 टनल बनेंगे और 13 स्टेशन बनेंगे इस रेलवे जो काठमांडू से नेपाल से भारत में आएंगी। तो इसे लेकर बहुत ही खुशी की बात है नेपाल और भारत के लिए, जो मजदूर वर्ग हैं और अन्य भी जो टूरिस्ट हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि ये कि उनके वो जा सकेंगे, अपना सफ़र कर सकेंगे। ट्रेन के लिए जो कई पूछ रहे थे कि मुझे कि सर एरोप्लेन से हम कैसे जा सकते हैं कि हम मजदूर वर्ग के हैं, तो भाई अब ये शुरू होने वाली है कुछ ही, मतलब अब इसमें कुछ तो टाइम बहुत लग ही जाएगा। तो आप बॉर्डर खुलने के बाद भी जा सकते हैं, बॉर्डर 16 अक्टूबर को खुलने के पूरे पूरे चांसेस हो गए हैं। बोला था सरकार ने कि अब 10 बॉर्डर खुलेंगे, तो इसी को लेकर अब जनता के सवाल भी बढ़ते जा रहे हैं और बॉर्डर खुलने की संभावना भी फुल फुल हो गई है। तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, जय नेपाल, बने रहिए हमारे साथ।